इस खबर के प्रायोजक निशवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एडमिशन शुरू। अच्छी तालीम के लिए अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं केएन न्यूज चैनल, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केएन न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शहजानंद राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि आजमगढ़ मऊ एमएलसी के चुनाव में टिकट के दावेदार बहुत हैं, लेकिन मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने अरुणकांत यादव को एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, मैं उनके साथ हूं और मैं आजमगढ़ और मऊ के एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करता हूं कि वह अरुणकांत यादव को वोट दिलवाएँ। आपको बता दें कि शहजानंद राय भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और वह खुद टिकट के दावेदार थे। मीडिया से बातचीत करते हुए शहजानंद राय ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। सर, आप भी एमएलसी के टिकट के दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, आपको टिकट नहीं मिला है, अब क्या फैसला करेंगे आप? मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरे पार्टी का जो निर्देश, मेरे पार्टी का जो कमिटमेंट, मैं उसको मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बहुत दावेदार हैं और जब भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है वो हम सब लोगों को मान्य है, उसी अनुसार हम लोग काम करते हैं। और मैंने पहले ही बताया मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते हमारा जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है और हमारे एमएलसी प्रत्याशी के रूप में भाई अरुण कुमार यादव जी को उन्होंने यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, मैं अपने तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ मऊ जनपद के एक एक कार्यकर्ताओं से और जो हमारे लोकतंत्र के प्रथम सीढ़ी के हमारे प्रधान और बीडीसी हैं, उन सब लोगों से हम लोग आग्रह भी करेंगे और उन लोगों को ले आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा है कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, ठीक है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो कभी तीसरे प्रावधान पर रहती थी, लेकिन आज विधानसभा के चुनाव में हम हर विधानसभा में दूसरे स्थान पर खड़ा रहे। अरुणकांत यादव को टिकट मिला है, आपका पूरा सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा, मेरा नहीं, मेरे साथ जो लोग भी हैं। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और अरुण यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और अभी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, तो अरुण यादव और शहजानंद राय में कोई भेद नहीं है। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं वैसे मैं भी काम करता हूं। हम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है उसके अनुसार परिणाम ला करके इस विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम हम लोग फहराने का यहाँ काम करें।